कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, फिट फॉर द सब। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इसी iPhone 12 Pro Max की तुर्किश कॉपी के बारे में। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये आपको तुर्किश कॉपी बाय करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि काफी लोगों की रिक्वेस्ट आती थी कि सर इसके बारे में वीडियो बनाएं। तो ये मैंने परचेस की थी, ठीक है, रिसेंटली तुर्किश कॉपी। तो ठीक है, तो मैंने सोचा कि चले एक वीडियो भी आपको दे देते हैं इसके बारे में, ठीक है। अनबॉक्सिंग वगैरह कुछ भी नहीं करूंगा मैं, सिर्फ और सिर्फ बताऊंगा कि कैसे मतलब आपको बाय करने के लायक है कि नहीं। तो चलिए अभी आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करूंगा इसके डिजाइन से। तो गाइस डिजाइन जो कि इसका है वो काफी जबरदस्त है, सेम एज टू ओरिजिनल, जैसे कि एप्पल लोगो देख सकते हो, कैमरा का बम्प देख सकते हो, सेम सेम वैसे ही लुक है जैसे रियल में दिया हुआ है, ठीक है। और इधर आप रियल लाइफ में रखेंगे वो भी आपको सेम से वैसे ही दिखेगा, ठीक है। तो ये आप जैसे देख सकते हो इसके जो कि बॉर्डर्स हैं ये भी काफी अच्छे दिए हुए हैं और सेम हैज टू ओरिजिनल। बात की है स्क्रीन साइज की तो गाइस स्क्रीन वो भी सेम ही है, ठीक है। एक बात है मिस्टेक है, इसकी जो कि चिंट्स हैं वो काफी बड़ी की गई हैं और बॉर्डर्स भी काफी बड़े हैं, लगता नहीं है कि 12 प्रो मैक्स जैसा है, बट क्योंकि कॉपी है तो अब जाहिर सी बात है इसमें तो एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नॉच भी दी हुई है इसके अंदर, ठीक है। बाय द वे मैं एक बात करूं इसकी मेमोरी की, तो इसके अंदर आपको वैसे आपको शो करवाएगा 256 GB, बट इसके अंदर 64 GB है, ठीक है। और चलने में सही है, मतलब इधर लैग वगैरह इतना नहीं करता जैसे कि कॉपीज आती है। ये कॉपी नहीं है, ये तुर्किश कॉपी है, ठीक है। उन कॉपियों से अच्छी है ये तुर्किश कॉपी, ठीक है। इसके अंदर आप व्हाट्सएप वगैरह चला सकते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम चला सकते हो, फेसबुक चला सकते हो, यूट्यूब चला सकते हो, ठीक है, और हर चीज इसके अंदर चल जाएगी इजिली, बट ये हैंग काफी होता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ इसके प्रॉब्लम्स बताऊं वो अपने दिमाग में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो कि सिम वाली नेट है वो नहीं चल रही, ठीक है, ये नहीं चलेगी। भाई हॉटस्पॉट चलाएंगे वो चल रही है, ठीक है। वाईफाई अगर यूज करना चाहते हो तो इसके अंदर वाईफाई इजीली अच्छे तरीके से चलेगी, ठीक है। सिम वाली नेट आपकी इसके अंदर नहीं चलेगी। तो बाकी बात की है लुक वाइज, तो लुक वाइज वैसे ही 12 प्रो मैक्स जैसा ही है, सेम हैज ओरिजिनल। तो ये कुछ इसका था रिव्यू, ठीक है। और बैटरी बैकअप भी इतना खास नहीं है, जल्दी बैटरी खत्म हो जाती है। बस अगर आपने लुक के लिए लेना है तो आप लुक के लिए ले सकते हो, बाकी बाय द वे अगर आपने पर्सनल यूज के लिए लेना है तो इसको आप नहीं लेना, मेरी यही सलाह है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह और फोन्स के भी जल्दी रिव्यू आने वाले हैं, ठीक है। मैंने सोचा एक वीडियो इसके ऊपर भी बना लूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह।